हेलो बच्चों, देखिए आज हम आपके लिए क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट किया है। इससे पहले वीडियो हम डाल चुके हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन है 1 अपॉन x^4-1, इसके फैक्टर कर देंगे। देखिए किस तरीके से x^4-1 है तो इसे लिखेंगे x² होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो जो बन जाएगा a+b a-b x² + 1 × x² - 1। अगेन अब यहाँ 1 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये माइनस वाले दोबारा से लगेगा, तो यहाँ बन जाएगा x - 1 x + 1 × x² + 1। ये देखिए ये हमें फैक्टर मिल गया इसके। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो 1 अपॉन x^4-1 को लिखा हमने 1 अपॉन x - 1 x - 1 x + 1 × x² + 1। टू फैक्टर्स तो लीनियर है, देखो x^1 है लीनियर है, तो इसके ऊपर a भी लिख दिया। और ये क्वाड्रेटिक फैक्शन है, फैक्टर है x² + 1, तो यार cx + d आ गया, तो a भी पहले यूज कर चुके हैं। एलसीएम लेने के बाद हमें ये इक्वेशन सेकंड प्राप्त हुआ मिला है, देखिए आप वी फाइंड। अब हमें इसको हमें पुराने मेथड से हम ए एंड बी तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सी ओ डी फाइंड करने के लिए हमें ये यूनिवर्सल मेथड लगाना पड़ेगा जिसमें कुछ भी नहीं बचेगा। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमको बन गया x³ का फैक्टर कोफिशिएंट है a+b+c x² और x लास्ट में कांस्टेंट, तो कंपेयर करके हमको बन गया a+b+c = 0। ये x³ का कोफिशिएंट है 0, a+b+d x² का कोफिशिएंट है यहाँ 0 है। तो हमने ये 3, 4, 5, 6 इक्वेशन से मिल गई, इनको सॉल्व करके हमें ABCD निकालना है। लेकिन हम उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, देखिए लीनियर फैक्टर है हमारे पास x - 1, तो यहाँ पे हम x - 1 हम यूज कर रहे हैं। देखिए x - 1 को 0 ले लिया हमने, तो x की वैल्यू आ गई +1, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो LHS में तो x है ही नहीं, तो 1 रहेगा। x - 1 को 0 लिया हमने, तो x - 1 देखिए b में x - 1 है और लास्ट वाले में x - 1 है, तो केवल a वाले पार्ट में रखना है। a वाले में रखेंगे 1 + 1 और ये 1² + 1, सॉल्व करके जो आएगा 4 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, तो ये बन गया 4a = 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/4। देखिए अब दूसरा फैक्टर हमारे पास है, लीनियर फैक्टर है x + 1, तो x + 1 को हमने 0 लिया है, तो यहाँ से x = -1 आ जाएगा। फिर पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, तो देखो LHS तो बना ही है, RHS में जहाँ x + 1 नहीं है, क्योंकि x + 1 वाले टर्म देखो a और c तो 0 हो जाएंगे, केवल b वाले में रखेंगे, तो b वाला पार्ट है -1 - 1 और ये -1² + 1, तो ये आएगा -2 × 2 तो -4, तो b की वैल्यू आ जाएगी। देखिए तो हमारे पास क्या मिला हमको, 1 = b - 2 + 2, तो जब b = आ जाएगा -1/4 a+1/4 है, b - 1/4। अब हमको cd की वैल्यू निकालना है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, तो थर्ड इक्वेशन में देखिए क्या था, थर्ड इक्वेशन में हम रख रहे हैं वैल्यू। अब थर्ड इक्वेशन है a+b+c = 0, यहाँ a की वैल्यू
वन अपॉन फोर, बी की वैल्यू माइनस वन अपॉन फोर प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ सॉल्व किया हमने तो सी की वैल्यू आ गई जीरो। इसके बाद हम क्वेश्चन फोर ले लेंगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फोर। देखिए तो इक्वेशन फोर क्या था, इक्वेशन फोर है ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू जीरो है। नहीं कहीं गलत हो रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए माइनस बी, देखिए तो फोर फोर्थ पार्ट में है, देखिए तो फोर्थ इक्वेशन में हमसे गलती हो गई है, ये माइनस है तो ए माइनस बी प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो जो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो जो आ जाएगा ए, ए की वैल्यू वन अपॉन फोर, ए की वैल्यू है वन अपॉन फोर माइनस माइनस प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा फोर एलसीएम आया, वन प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो डी की वैल्यू आ गई माइनस के टू अपॉन फोर मीन्स वन अपॉन टू। अब अपने पास ए बी सी डी चारों वैल्यू आ चुकी हैं, देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, तो वन में हम ए बी सी डी की वैल्यू रख देंगे। देखिए वन में हम क्या रख रहे हैं, ए बी सी डी की वैल्यू वन अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन फोर एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन, और इसके बाद सी एक्स प्लस डी, ये है तो सी वाली वैल्यू जीरो है तो ये बचेगा माइनस के वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये अपना आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन वन अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन डी एक्स, यहाँ आ जाएगा वन अपॉन फोर इंट्रीगल एक्स माइनस वन डी एक्स, वन अपॉन फोर इंट्रीगल वन अपॉन एक्स प्लस वन, वन अपॉन टू इंट्रीगल एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, वन अपॉन फोर फर्स्ट सेकंड में कॉमन आ गया, वन अपॉन फोर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस वन वन अपॉन टू, ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, वन अपॉन फोर यह आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन टेक्निक वाला है। देखिए यहाँ है डिवाइड में वन अपॉन एक्स और ब्रैकेट में एक्स की पावर एन प्लस वन। तो इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए अंदर एन है और बाहर पावर वन है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए इसमें वन है तो अपनी मर्जी से हम यहाँ एक्स की पावर एन माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ एक्स में भी करेंगे, एक्स में करेंगे एक्स पावर एन माइनस वन तो पावर ऐड हो जाएगी वन प्लस एन माइनस वन, देखिए तो एक्स की पावर एन बचेगा, ये हमने सब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर एन और ब्रैकेट में एक्स की पावर एन प्लस वन, देखिए डी एक्स। अब जब हम x की पावर n को रखेंगे तो डिफरेंशियल आएगा n x की पावर n माइनस वन, तो यहाँ n नहीं है तो अपनी मर्जी से हमने n से डिवाइड किया n का मल्टीप्लाई। नाउ पुटिंग x की पावर n को हम t पुट कर देते हैं तो हो जाएगा n
एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए रखिए, तो यहाँ जी बन गया वन अपॉन एन, ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी और ब्रैकेट में टी प्लस वन, ये आ गया। अब हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना, देखिए अब हमें इसके क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको डायरेक्ट आते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वन अपॉन टी, सॉरी टी लेंगे, अब टी लिया जाएगा यहाँ से, डायरेक्ट निकालना बता रहे हैं हम आपको, तो टी डिवाइड में और प्लस टी टी प्लस वन डी टी। अब ये ए मान लिया या बी मान लिया, तो यहाँ देखिए ए और बी की वैल्यू निकालना हम आपको बता रहे हैं। देखो तो यहाँ जब ए की वैल्यू निकालना है तो ए के डिवाइड में क्या है, टी है, ए के डिनोमिनेटर में क्या है, टी है, तो हम टी को जीरो ले लेंगे, तो टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो लेंगे तो ए की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ जिसको जीरो लिया उसको हटा दो, तो वन अपॉन टी प्लस वन बचा है, टी प्लस वन, यहाँ टी की वैल्यू हम जीरो लेंगे तो जीरो प्लस वन मतलब वन आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई वन। और दूसरा फैक्टर है बी के नीचे डिनोमीटर टी प्लस वन है, तो टी प्लस वन को जीरो लेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम बी की वैल्यू निकालने के लिए वन अपॉन टी और टी की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो आ जाएगा माइनस वन। अब ए और बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम, तो वन अपॉन एन इंट्रीगल, देखिए ए की वैल्यू है वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। अब हमें इसका इंटीग्रल करेंगे तो वन अपॉन टी का आ जाएगा लॉग टी, लॉग टी माइनस लॉग टी ए प्लस वन। प्लस सी, देखिए तो यहाँ से जो बना अपना, तो यहाँ जो बना है अपना वन अपॉन एन माइनस में लॉग का डिवाइड आ जाता लॉग टी अपॉन टी प्लस वन, टी प्लस वन सी। अब टी की वैल्यू वापस रख देंगे वन अपॉन एन लॉग टी को रखेंगे एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो ये ए बी की वैल्यू इसमें भी निकलेगी, तो सॉल्व योर सेल्फ, सॉल्व योर सेल्फ, आप स्वयं इसको सॉल्व करें। देखिए अच्छा क्वेश्चन सिंपल है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। तो क्वेश्चन 18 था एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो अपनी मर्जी से हम एक्स स्क्वायर को हम बाई रख दें, तो देखो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में बाई आ गया, बाई प्लस वन बाई प्लस टू बाई प्लस थ्री बाई प्लस फोर। अब यहाँ देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस थ्री बाई प्लस टू न्यूमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर का करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस सेवन बाई प्लस ट्वेल्व। अब डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को, बाई स्क्वायर प्लस सेवन बाई प्लस ट्वेल्व से डिवाइड किया तो वन टाइम, और रिमाइंडर बचा माइनस टू टू बाई प्लस फाइव। तो ये वन माइनस टू इंटू टू बाई प्लस फाइव। अब इसको हम इतना पार्ट हम दोबारा से ए बी वैल्यू निकाला, देखिए इसका हम ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ए बी की वैल्यू देखो, ये सिंपल मेथड है, इसके कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होते, ध्यान रखना इसमें किसी भी मेथड से निकालो। हमें सबसे पहले ए की वैल्यू निकालना, तो ए की ए के डिनोमीटर में क्या है, बाई प्लस थ्री, ए के डिनोमीटर में बाई प्लस थ्री है, तो बाई प्लस थ्री को हम जीरो ले लेंगे, बाई प्लस थ्री को हमने जीरो लिया
टेकिंग बाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, बी फाइंड बाई इक्वल टू माइनस थ्री। अब ए की वैल्यू टू, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो देखो एल एच एस में फंक्शन है, वहाँ से बाई प्लस थ्री हटा दीजिए क्योंकि इसको जीरो लिया हमने, तो जो आएगा टू बाई प्लस फाइव डिवाइड में बाई प्लस फोर। अब यहाँ हम बाई की वैल्यू माइनस थ्री रखने वाले हैं, टू इंटू माइनस थ्री प्लस फाइव और डिवाइड में आ जाएगा माइनस थ्री प्लस फाइव, सॉरी फोर, फोर है तो ऊपर आएगा माइनस वन अपॉन वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन। सेकंड बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो बी के डिवाइड में है बाई प्लस फोर, तो बाई प्लस फोर को जीरो ले लेंगे, यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर। इसे अब बी की वैल्यू निकालते समय एल एच एस में हम बाई प्लस फोर हटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा टू बाई प्लस फाइव अपॉन बाई प्लस थ्री। माइनस फोर रखिए, टू इंटू माइनस फोर प्लस फाइव डिवाइड में माइनस फोर प्लस थ्री, तो फोर टू या एट, फोर टू या माइनस के एट माइनस वन, तो ये आ जाएगा प्लस प्लस के माइनस एट प्लस फाइव, तो माइनस थ्री प्लस के थ्री हो जाएंगे ये, बी की वैल्यू प्लस थ्री। तो अपनी जब वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, देखिए ए और बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन अपॉन बाई प्लस थ्री, प्लस थ्री अपॉन बाई प्लस फोर। अब हम ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं ये वैल्यू, हम सॉरी ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट करेंगे हम ओरिजिनल वाले में, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए नाउ नाउ अब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, देखिए बाई प्लस वन, बाई प्लस वन, बाई प्लस टू, बाई प्लस थ्री, बाई प्लस फोर, ये देखिए यहाँ वन माइनस ये टू था और ब्रैकेट में क्या आया माइनस वन अपॉन बाई प्लस थ्री, प्लस थ्री अपॉन बाई प्लस फोर। अब इसका हमें इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए इसको आगे अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, टू अपॉन बाई प्लस थ्री, प्लस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बार माइनस है, थ्री टू या सिक्स अपॉन बाई प्लस फोर। देखिए अब हमें इसके इंटीग्रेशन करना है, इसमें अगर हम बाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर वापस रख दें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ पे भी आ जाएगा वन प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सबका, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। देखिए तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल का साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। तो यहाँ वन का तो अलग हो जाएगा वन डी एक्स, प्लस टू बार आ जाएगा तो आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और थ्री को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो रूट थ्री का स्क्वायर आएगा डी एक्स, माइनस सिक्स बार आ जाएगा, देखिए माइनस सिक्स यहाँ आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा वन का एक्स प्लस टू, यह आ जाएगा वन अपॉन ए,
टेन इनवर्स फॉर्म में जी फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। देखिए तो जो है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए मैंने रूट थ्री डिवाइड में, यहाँ ए की वैल्यू टू है तो वन अपॉन टू वन अपॉन ए हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी, तो यहाँ फाइनल आंसर अपना आ गया एक्स प्लस टू अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट थ्री, ये कट जाएगा यहाँ तो माइनस थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब 19 देखिए, यहाँ वही क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर था या नीचे ऊपर 2x, एक्स स्क्वायर को टी रख दिया तो ये डी टी में एडजस्ट हो गया। अब वही ए बी की वैल्यू निकालेंगे हम, दोबारा से ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आएगी देखिए, एक्स प्लस वन को हम जीरो ले लेंगे, माइनस वन आएगा माइनस वन, तो जी माइनस वन तो वन आ जाएगा, ए की वैल्यू आएगी वन वन अपॉन टी प्लस वन, और टी प्लस टू को जीरो लेंगे तो यहाँ रखेंगे तो माइनस वन आ जाएगी, माइनस के वन अपॉन टी प्लस टू डी टी। इंट्रीगल करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग टी प्लस वन माइनस लॉग टी प्लस टू प्लस सी। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, देखिए आई इक्वल टू लॉग टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, सॉरी यहाँ क्या था, ये एक्स स्क्वायर की जगह गलती हो गई हमसे, जो टू की जगह थ्री है, टू नहीं है यहाँ थ्री है, ये थ्री है। तो देखो अब क्या बनने वाला, यहाँ पे कन्वर्ट चेंज हो जाएगा, जब हम माइनस वन लेंगे तो ये वन अपॉन टू आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा वन अपॉन टू, ये वन अपॉन टू आने आ गया है। देखिए वन अपॉन टू, जब हम एक्स प्लस थ्री को जीरो लेंगे तो यहाँ रखेंगे तो माइनस के वन अपॉन टू हो जाएगा, ये तो वन अपॉन टू कॉमन ले लिया हमने, वन अपॉन टू कॉमन ले लिया, वन अपॉन टू कॉमन ले लिया, देखो एक्स प्लस थ्री है सब जगह, तो जी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया प्लस सी लिख के। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये यहाँ पे फिर वही मेथड है, एक्स की पावर फोर है अंदर और बाहर वन है, तो इक्वल बनाने के लिए अंदर और बाहर इक्वल बनाने के लिए हम पावर थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो एक्स की पावर थ्री यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, और एक्स का फोर माइनस वन देखिए डी एक्स। अब जब हम एक्स की पावर फोर को टी रखेंगे तो जा देखो एक्स की पावर फोर को हम टी रखने वाले हैं, तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा फोर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो फोर का मल्टीप्लाई फोर का डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन फोर डी टी अपॉन टी टी माइनस वन। देखिए फिर वही तरीका अपनाएंगे हम, वन अपॉन फोर यहाँ देखिए ये टी आ गया ये टी माइनस वन आया और डी टी, ए बी ले लेंगे हम यहाँ पे, देखो अब हम ए बी निकालेंगे तो देखो ये
फंक्शन क्या है देखो, हम पूरा लिख देते हैं। अब ये मेथड वैलिड मेथड है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही लिख रहे हैं हम। देखिए तो जब हम फंक्शन अपना जो है वन अपॉन टी टी माइनस वन, ये फंक्शन है। अब ए के देखो, ए के डिवाइड में टी है तो हम टी को जीरो ले लेंगे, ये फंक्शन है अपना। टी को जीरो लिया हमने और तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से टी को हटा दीजिए तो ए इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टी माइनस वन। वन अपॉन टी को जीरो रखेंगे तो माइनस वन आ गए। दूसरा टी माइनस वन को जीरो लेंगे तो टी की वैल्यू प्लस वन आ जाएगी। फिर अब की बार टी माइनस वन को हटाएंगे तो बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन अपॉन टी। तो टी की वैल्यू वन अपॉन वन मतलब वन आ गई। अब ए बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे इसमें हम, तो जो हो जाएगा आई इक्वल टू वन अपॉन फोर, यहाँ आ गया ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन टी और ये प्लस होता है वैसे यहाँ प्लस वन अपॉन टी माइनस वन डी टी। देखिए जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो आ जाएगा लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस वन, ये माइनस है यहाँ टी माइनस वन प्लस सी वन अपॉन फोर, नेगेटिव वाला डिवाइड में आ जाता तो लॉग टी माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस रखेंगे एक्स की बार फोर, तो ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा वन अपॉन फोर लॉग एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 20 का। नेक्स्ट देखिए 21, ये क्वेश्चन विशेष तरीके से याद रखना है। यहाँ देखो न्यूमरेटर में ई की पावर एक्स नहीं है, डिनोमिनेटर में है, तो ऐसी कंडीशन में या तो हम ई एक्स के प्लेस पे ये लिख दें वन अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ लिख दें इसकी जगह पे और एलसीएम ले लें, या सिंपल तरीका इसका जो है सिंपल तरीका अपना इसका हो सकता है, इसका सिंपल तरीका है कि ई की पावर एक्स का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स या ई की पावर एक्स माइनस वन। अब पुट ई की पावर एक्स को हम टी पुट कर रहे हैं, देखिए तो ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी रखिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन टी इंटू टी माइनस वन। ये पिछले वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन वही हो गया, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमने क्या निकाले थे, देखिए वन अपॉन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन, ये आए थे डी टी। तो हम इसका आ जाएगा लॉग लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस वन प्लस सी। देखिए तो यहाँ अब ये बन जाएगा लॉग टी माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। देखिए टी की वैल्यू वापस रखेंगे तो लॉग ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी। ये 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए अब ये यहाँ पे देखिए ये अपना क्या है, एम सी क्यू है, ये क्वेश्चन है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसका आंसर कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए तो हम थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। देखिए तो यहाँ आ जाएगा इसका ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। देखिए तो हमें ए बी की वैल्यू निकालना है, वही पुराना मेथड अब जल्दी से कर देंगे। ए के नीचे क्या है, एक्स माइनस वन है,
डिनोमीटर में ए की वैल्यू निकालना है तो ए का डिनोमीटर लेंगे, इसको जीरो ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस वन। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए जिसको हमने जीरो लिया उसे हटा दो यहाँ से, तो b इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस टू आ गया, a अपॉन इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो ये माइनस वन आंसर आ जाएगा। दूसरा, अब b की वैल्यू निकालना है तो b का डिनोमीटर देखिए एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू को जीरो लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस टू, देखिए प्लस टू। तो यहाँ क्या बन जाएगा, b इक्वल टू जिसको हमने जीरो लिया एल एच एस से उसको हटा दीजिए, तो क्या बचेगा x अपॉन x माइनस वन, यहाँ टू रखेंगे हम तो टू आंसर आएगा। अब ए बी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन x माइनस वन एक्स माइनस टू डी एक्स इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू माइनस वन है, ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन x माइनस वन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स, तो ये बन जाएगा लॉग, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा ऊपर एक्स माइनस टू और डिवाइड में एक्स माइनस वन प्लस सी। देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 22 नंबर क्वेश्चन है। देखो अरे सॉरी, एक गलती हो गई है, ये टू था, यहाँ बी की वैल्यू टू था, तो टू था बी की वैल्यू टू थी अपनी, तो हमें टू का यूज नहीं कर पाए, वो देखते हैं अभी हम दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए देखो ये हो जाएगा लॉग माइनस है एक्स माइनस वन प्लस टू, बाहर आ जाएगा लॉग एक्स माइनस टू, तो यहाँ बनेगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टू पावर में चला जाएगा, अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ये ए, इसका करेक्ट आंसर ए आ गया, तो करेक्ट आंसर इज ए, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ए, ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी टाइप के टाइप से करना है हमें। यहाँ लेंगे हम वन अपॉन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वन, तो ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस वन क्वाड्रेटिक हो गया है, तो इसलिए यहाँ लीनियर आएगा, एक्स वाला आएगा। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या बन गया, ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा जीरो एक्स स्क्वायर जीरो एक्स प्लस वन, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए। जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे देखिए, तो कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म ए है, तो ए तो हो गया वन, और सी क्या है एक्स का टर्म, सी हो जाएगा जीरो, और ए प्लस बी कितना है जीरो एक्स स्क्वायर का, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू वन रखेंगे तो यहाँ बी की वैल्यू माइनस वन। अब ए बी सी की सारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी हैं देखिए, तो वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए की वैल्यू अब वन अपॉन एक्स, ए की वैल्यू वन आ गई, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, तो और सी की वैल्यू जीरो, देखिए तो माइनस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये अपना यहाँ पे देखिए ये आया है, यहाँ तक ये हमारा आ चुका है। देखिए तो देखो तो ये अपना यहाँ आया है
एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए की वैल्यू वन, और हमने ये गलत नोट कर दिया, क्वेश्चन को गलत कर दिया है, क्वेश्चन ही गलत नोट कर लिया हमने। देखिए क्वेश्चन राइट, देखो यहाँ से देखिए, यहाँ 23 में देखो, अरे सही किया था, ऐसा कोई नहीं था, तो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, देखो x का मल्टीप्लाई करें या x पर हो जाएगा तो जी बन जाएगा, देखो वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स अपॉन यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड किया हमने, तो यहाँ एक्स स्क्वायर को हम टी रख देंगे, तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो ये बनेगा वन अपॉन टू, यहाँ आ जाएगा वन अपॉन टी, टी प्लस वन डी टी, वन अपॉन टू तो यहाँ आएगा टी और टी प्लस वन, तो टी को जीरो लेंगे हम तो ए की वैल्यू वन आ जाएगी, टी प्लस वन को जीरो लेंगे तो ये माइनस वन आ जाएगा, तो यहाँ जो बन जाएगा देखिए क्या बनेगा, वन अपॉन टू, माइनस वाला डिवाइड में आ जाता तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए टी अपॉन टी प्लस वन प्लस सी, वन अपॉन टू, टी की वैल्यू रखेंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, देखिए देखो, तो ये अब यहाँ पे अलग अलग लिख के कर सकते थे, तो ये क्वेश्चन ए वाला एडजस्ट हो रहा है क्योंकि टू पहले आ रहा था, अलग लिख के सॉल्व करेंगे तो ये ए वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि टू टू से टू कट जाएगा तो ये यहाँ टू बचेगा, ए आ जाएगा आंसर। देखो तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है।